मुझे कोई देखे, मुझे कोई समझे, मुझे कोई कुछ बोले शाबाश माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कोई कुछ बोले, इस तरीके की बातें हमारे जहन के अंदर पैदा होती है। लेकिन इससे घबराना नहीं, शैतानी वसवसे से पैदा होते हैं। साल में एक मतलबा जो अपनी तिजारत का माल है, खेती का माल है, हमारी मेहनत मजदूरी के पैसे है, साल में एक मरतबा हिसाब लगा करके ज़कात देना। हिसाब लगा, बगैर हिसाब के नहीं ज़कात नहीं अदा होगी। इताअत ही इबादत है, बगैर हिसाब के नहीं। हर दीजिए 1000, वहाँ दीजिए 2000, वहाँ दीजिए 10000, ये इताअत नहीं हुई। इताअत ये है कि साल भर ये तारीख से लेकर ये तारीख तक के इतना पैसा मेरे पास में आया, अब शुरू साल में और अखीर साल में मेरे पास में कितना, बीच में क्या हुआ मालूम है, शुरू साल में और अखीर साल में मेरे पास में कितना पैसा रहा, कितना माल रहा, उसके हिसाब से मेरे ऊपर क्या ज़कात बनती है। वो ज़कात का हिसाब लगा करके साल में एक मरतबा ज़कात अदा करना, ये इताअत है। और इसको हम इताअत को अदा करते हैं, आदत बनाते हैं, तो ये इबादत बनती है। और इसके अंदर इखलास जितना होगा उतना सवाब का भाव बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, सवाब का भाव बढ़ेगा, अजर बढ़ेगा। वन वक्त नमाज फर्ज है, सही टाइम टेबल का लिहाज करते हुए उसे अदा करना और उसे अदा कराना। रमजान में साल में एक मरतबा रमजान के रोजे फर्ज है, रमजान में रमजान के ही रोजे रखना, ये इताअत है। ईदों के दिनों के अंदर रोजे रखना मना है तो नहीं रखेंगे। इसी तरीके पर साल के 12 महीने अल्लाह ने बनाए हैं, कोई मनहूस नहीं है, कोई सबब मनहूस नहीं है, कोई कमर अकर्म नहीं है, कोई अमाउस पूर्णिमा नहीं है। हमारे मजहब के अंदर कोई दिन अच्छे बुरे नहीं है। हमारे मजहब के अंदर कुरान करीम कहता है कि इंसानों के ऊपर सबसे बुरा दिन वो है जिस दिन किसे खुदा की कोई नाफरमानी हुई, सबसे बुरा दिन वो है जिस दिन बंदों के ऊपर अल्लाह की तरफ से कोई अजाब ना। इसके अलावा हमारे लिए कोई बुरा दिन, सब दिन सही सही, कोई भी दिन शादी कर सकते, कोई भी दिन इताअत कर सकते, कोई भी दिन जो भी करना चाहो कर सकते, बशर्ते कि वो जायज काम हो। कोई भी दिन कुछ भी कर सकते, सफर भी कर सकते हैं। हर वो काम जिसको आज की उम्मत ने बहुत बढ़ावा दे दिया है, उन कामों से रुक करके सही काम अदा कर सकते हैं। साथ ही साथ में जो मेन बात हमारी शुरू में चल रही थी वो है बर्थडे। क्या है? बर्थडे। बर्थडे मनाने का माहौल उमूमी तौर पर मोबाइल और सोशल मीडिया के दौर के अंदर और ये इंटरनेट के जमाने के अंदर आम होता जा रहा है, आम होता जा रहा है, आम होता जा रहा है। इतना आम हो रहा है कि अब लोग हमारे तरफ पलट रहे, मस्जिद में घुस रहे, ना घुस रहे मस्जिद में घुस रहे। अब तो बड़े बड़े मौलाना लोग मिंबर पर बैठ के कह रहे हैं, अरब में भी मिलाद उन्नबी मनाया जाता है और सहाबा में भी मनाया जाता था, यहाँ तक के और दलीला भी आ गया और सबूत भी आ गया। जैसे हमारे वहाँ में 3 चंदे वाले आए थे, उनके पास दलील भी थी, सबूत भी थी, अचलपुर का भी सर्टिफिकेट था, बलरामपुर का भी सर्टिफिकेट था और 70 के आधार कार्ड भी थे, उनके बंदे भी थे, बम्बई का भी टाइगर का भी था। ऐसे ही उन्हीं के मौलवियों के पास में जो चंदे पाए थे, उन्हीं के मौलवियों के पास में ये भी सर्टिफिकेट है, ये भी दलील है कि हमारे नबी का ईद मिलाद मनाया गया। पढ़ो ना कुरान, पढ़ो ना हदीसे, पढ़ो ना सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी, उमर इब्न खत्ताब की जिंदगी, उनसे बड़ा आशिक रसूल कौन होगा। अरे तुमने, मैंने तो अपने आप को आलिम लिखा, मुफ्ती लिखा, हाफिज लिखा, आलिम लिखा, दाई लिखा, नमाजी लिखा, हाजी लिखा, किसी सहाबी के नाम के सारे लकब बतलाओ, किसी सहाबी के नाम के सारे लकब बतलाओ कि वो हाजी नहीं थे, क्या वो नमाजी नहीं थे, क्या वो हाफिज नहीं थे, क्या वो आलिम नहीं थे, क्या वो माजी नहीं थे, क्या वो मुफ्ती नहीं थे, क्या वो बादशाह नहीं थे। जिधर हवा चली उधर चले, ना मुसलमान जिधर हवा चली उधर नहीं चलेगा। मुसलमान तो इताअत का बंदा है, इबादत वाला बंदा है, वो तो मेरे रब के हुक्म को ही मानेगा, वो मेरे रब के हुक्म की ही ताबेदारी करेगा, फरमाबरदारी करेगा। मेरे नबी ने खुशी मनाने की बातें कही है, हमारे घर में बच्चा पैदा हो खुशी होती है, हमारे घर में निकाह हो खुशियाँ होती है,
खुशियाँ मनानी चाहिए, बतानी चाहिए, आम करना चाहिए, लेकिन उसको एक रस्म बना लेना, उसको एक प्रोपेगेंडा बना लेना और एक तारीख रस्म करना, खतना का पानी, फला पानी, ये पानी, वो पानी, ये खाना, वो खाना, इस तरीके का 10वां 40वां इस तरीके के जो नाजायज खुराफात पुराने जमाने में चलते आए थे, आज की उम्मत फिर जिंदा करना चाहिए। मेरे आका मदीना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, आपके प्यारे सहाबा के जमाने में ये सब नहीं था, इसलिए तारीखों में इख्तलाफ है। 8, 9, 8, 9 और 12 रबीउल अव्वल हुजूर की पैदाइश बताई जाती है, ये तारीखों के उलमा की तारीखों का इख्तलाफ हमें ये बताता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का बेसत का मकसद जो था उसको हम आपके पैदा होने पर खुश हो, आपके पैदा होने पर खुशियां मनाएं, लेकिन आपके पैदा होने की सबसे बड़ी खुशी यह है कि हम आपका इत्तेबा करने वाले बन जाए, आपके पैरोकार बन जाए, आपसे मोहब्बत करने वाले बन जाए। या रसूलुल्लाह, क्या चेहरा खूबसूरत अल्लाह ने बनाया था आपका, क्या हसन साबित ने कहा था आपके चेहरे को देखकर वासन मिन कलम का तत्व आईनी वाजमल मिन कलम कर दिन निसाओ उलिक्त मुबर्रा मिन कुल्ली ऐब कानक कद उलिक्त कमा तशाओ। ये सहाबा है जिन्होंने दिल की गहराइयों से हुजूर की तारीफ बयान की है, वासन मिन कलम का तत्व आईनी हसन ने साबित रजी अल्लाह पर बड़े शायर गुजरे हैं। हुजूर को शायरी बहुत नापसंद थी, क्यों ना पसंद थी? हुजूर फरमाते हैं कुरान ना लिखो जो के ऊपर, अल्लाह फरमाते हैं वशुआला यत्तबिउहुमुल गाउन। शायर वो जिसको अल्लाह ताला फिर बड़ी शायर बना देता है, जुमले जोड़ जोड़ के, मिसरे जोड़ जोड़ के, जो शायरी करते हैं वो इधर भी घुस जाते हैं, इधर भी जिधर पैसा मिल रहा है उसकी तारीफ करेंगे, उसको आसमान में चढ़ा देंगे, हाँ जिधर से तकलीफ मिली उसको आसमान से जमीन में दिखा देंगे, उसको आसमान से जमीन में घसा देंगे। और जिसको शायर तो वाकई जिन्होंने हुजूर की शान में अशआर कहे हैं, बड़े ही प्यारे अशआर कहे हैं, तो हुजूर ने भी कुछ अशआर को पसंद किया है। हसन के साबित कहते हैं वो अहसन मिन कलम तरफत दुआईनी, ऐ नबी वो अहसन मिन कलम तरफत दुआईनी, आपसे ज्यादा खूबसूरत से क्या आपने देखा, आपसे ज्यादा खूबसूरत मेरे आपको। हाँ, इस शेर को मैं आपको एक सबक सुनाना चाहता हूँ, और मेरे लिए भी आपके लिए भी, वासन मिन करम कर तत्व आईनी वाजमल मिन करम कर दिन दिशा हो। हसन के साबित कहते हैं कि मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत देखा नहीं, और किसी औरत ने आपसे खूबसूरत आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा जरा जन्नत में जाने के बाद में तमन्ना करेगा, जुम्मे का दिन होगा, जुम्मे के दिन एक बाजार लगेगा, उसके अंदर खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरें होंगी, इंसान खूबसूरत तस्वीरों को देखेगा तो इंसान खूबसूरत तस्वीरों को देखकर ये अर्ज करेगा, काश मैं ऐसा होता। पीछे अल्लाह कहेंगे पीछे बलट के देख आईने में, पीछे बलट के आईने में देखने का होता तो वैसे ही इतना ऊंचा होना चाहिए था, मेरी शक्ल ऐसी होना चाहिए था, मेरी नाक मेरी आँख ऐसी होनी चाहिए थी। अल्लाह कहेंगे पीछे वाले जो देखेगा तो वैसा ही हो चुका होगा। तो हसन इब्न साबित कहते हैं कि गुलित कानना का पद गुलित कमा दो, जैसा आपने चाहा वैसे पैदा कर दिए गए, तो मेरे आका मदीना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खूबसूरत पैदा किए गए, बहुत खूबसूरत पैदा किए गए। आपकी तारीफ जितनी की जावे उतनी कम है, जिस्म ढेर डॉल हाथ आपका जिस्म, आपके जिस्म की बनावट, आपकी हथेलियाँ, सहाबा ने हर चीज़ को नकल किया है। इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो हम मस्जिद के अंदर शमाइल कुबरा की तालीम जारी करेंगे, इंशाल्लाह आपके ये भवें कैसी थी, आपकी नाक कैसी थी, आपके कान कैसे थे, आपकी हथेलियाँ कैसी थी, आपके हाथ कैसे थे, आपके शाने कैसे थे, आपकी पीठ कैसी थी, आपका पेट कैसा था, आपकी रानी कैसी थी, आपका कद कैसा था, आपकी शक्ल सूरत की वजाहत कैसी,
कैसी थी, आप कितने लंबे थे, आपकी हाइट क्या थी। दूर से देखने वाला हुजूर के रौब को देखकर डर जाता था, ऐसा लगता था कि हुजूर बहुत ऊंचे पूरे हैं। जब करीब आता था तो डर निकल जाता था, मोहब्बत पैदा हो जाती थी, ऐसा लगता था नहीं हुजूर लंबे नहीं है, हुजूर तो बराबर है, हुजूर तो बराबर है। इतने खूबसूरत मेरी माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, रात के अंधेरे में सुई के नाके के अंदर मुझे धागा पिरोना होता तो मैं मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के सामने सुई का नाका और धागा ले जाकर के पिरोया करती थी। आयशा फरमाती है कि यूसुफ को देख करके उस वक्त की औरतों ने अपने उंगलियों को काट लिया है, इतने खूबसूरत थे। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम अगर मेरे नबी के खूबसूरती देख लेती तो अपने कलेजे को काट देती, अपने कलेजे को। इतने खूबसूरत हमारे नबी थे और आपकी खूबसूरत जिंदगी, खूबसूरत नबी की जिंदगी भी हमारे सामने कुरान में मौजूद है, हदीसों में मौजूद है। हमें चाहिए कि कुरान को अपने गले लगाए। कुरान जिस तरीके पर मकतब में मदरसे में अपने मासूम बच्चों को हम पढ़ने के लिए भेजते हैं, ऐसे ही हम बड़ों का भी काम है कि कुरान को अपने गले लगाकर मस्जिद में आए, अल्लाह के रास्ते में निकले, कुरान को हदीसों को अपने गले में लगाए। हुजूर की जिंदगी और हुजूर की सीरत के बारे में मेरी और आपकी माँ सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से किसी ने पूछा कि हुजूर के अखलाक कैसे थे, फरमाया काना कुलुहु अल कुरान, सारा का सारा कुरान हमारे नबी के अखलाक थे, सारा का सारा कुरान हमारे नबी के अखलाक थे। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हम कुरान से लगाव पैदा करें, हुजूर की सूरत से लगाव पैदा करें, हुजूर की सीरत से लगाव पैदा करें। हुजूर ही एक ऐसी अकेली जात है जिसके बारे में कहा गया है कुरान पाक में, अल्लाह फरमाते हैं कि एक अकेली ऐसी हस्ती है कि जिसको देखकर तुम्हारी दुनिया भी बनी हुई और आखिरत भी। आजमा कर तो देखो, गाड़ी हुजूर की जैसी हो, लिबास हुजूर के जैसा हो, बाल हुजूर के जैसे हो, चलना हुजूर के जैसा हो, चढ़ना हुजूर के जैसा हो, उतरना हुजूर के जैसा हो, सोना हुजूर के जैसा हो, खाना हुजूर के जैसा हो, तिजारत हुजूर के जैसी हो और बिजनेस मुलाजमत हुजूर के जैसी हो और दुनिया के अंदर लोगों से गुफ्तगू हुजूर के जैसी हो, रिश्तेदारियों के साथ आपस के ताल्लुकात मामला हुजूर के जैसे हो, बड़ों के साथ में हुजूर कैसे रहे वैसे हमारी ज़िंदगी हो, बच्चों के साथ में बच्चों को हुजूर सलाम दो, चार बच्चे जहाँ खेलते नजर नहीं आए हुजूर कहते थे अस्सलाम वालेकुम, क्या कहते थे अस्सलाम वालेकुम, हम तो सलाम करते हैं, कोई आलिम साहब दिखे तो सलाम करेंगे, कोई हाजी साहब दिखे तो सलाम करेंगे, कोई खाला अम्मा दिखे तो सलाम करेंगे, कोई बड़प्पा दिखे तो सलाम करेंगे, ना ना ना, हुजूर फरमाते हैं जिनको तुम पहचानते हो उनको भी सलाम करो, जिनको तुम नहीं पहचानते हो उनको भी सलाम करो, और बच्चों को सिखाने के लिए बच्चों को ही सलाम करो, बच्चों को सिखाने के लिए बच्चों को भी सलाम करो। तो मेरे नबी जो रबीउल अव्वल के महीने में पैदा हुए हैं, माशाल्लाह हर ईमान वाले बंदे को इसकी खुशी है और इसकी खुशी में इंशाल्लाह बर्थडे मनाने के बजाय, ईद मीलाद मनाने के बजाय हम ये मीलाद मनाएंगे, हम ये खुशी मनाएंगे कि इंशाअल्लाह हमारे बड़ों की जिंदगी, हमारे बच्चों की जिंदगी, हमारी मस्तूरात की जिंदगी हमारे नबी के जैसी होगी इंशाअल्लाह, करेंगे वैसे इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी कैसी होगी हमारे नबी के जैसी होगी। रात में जल्दी सोना, सुबह में जल्दी उठना, बातचीत करने में सच्चाई, सुबह शाम कुरान की तिलावत, पंच वक्त नमाजों की पाबंदी, बड़ों का अदब, उलमा का अदब, माँ बाप की खिदमत, छोटों से मोहब्बत, ये हुजूर के अखलाक जो कमा कर लाए हैं। अरे अरे अरे, एक बात बोलकर अपनी बात मुकम्मल करता हूँ, माँ हजरत हमारी माँ हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मक्का की होलसेल से बनी, होलसेल से होलसेल, उनके पास से माल लोग होलसेल में खरीद कर बेचने ले जाया करते थे। और हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नबूवत मिलने से पहले उनके पास से होलसेल में माल ले जाकर मुल्क शाम इधर उधर बेच कर आते, और आपकी अमानत पर ही सबसे आखिरी में जाना, सबसे पहले बेच के आ जाना, सबसे अखीर में जाना और सबसे पहले बेच कर आ जाना, अब नफा सबसे ज्यादा लेकर आना, इसी बुनियाद पर, इसी अमानत पर, इसी सदाकत पर तो सबसे रईस सबसे ज्यादा मालदार औरत ने भी हुजूर को पैगाम निकाह भेजा कि आप मुझसे शादी करना पसंद करोगे,
अब हुजूर ने कबूल किया। माँ आयशा खदीजा की उम्र, माँ खदीजा की कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल है और हमारे हुजूर की उम्र कितने साल है? 25 साल है। तो मैं ये यहाँ से एक बात बता रहा हूँ कि हुजूर वहाँ से धंधा करके बाजार में से आए, गाँव को आ रहे, आते आते सारा सफर आएगा। लोग इस धार में रहते थे कि ये बंदा सबसे आखिर में जाता है। चले तुम तो एक दुकान वाले को दूसरे दुकान वाले से होती है ना, जमाने को ही है, एक ताजिर को एक ताजिर से होती है कि भाई ये सबसे बाद में आता है, सबसे पहले जाता है, नफा भी ज्यादा ले जाता है, लेकिन टूटे हुए झुका है अभी तक। अभी तक के इसकी चटाई भी हुई है, झोपड़ी भी हुई है, इसकी जिंदगी हुई है, कपड़े भी हुई है, कितना कमाता है, कम वक्त में ये पैसा करता क्या है। तो लोगों ने गवाही दी है उस वक्त के लोगों ने कि हमने इनका पीछा किया। सबसे पीछे आते हैं, सबसे पहले घर को जाते हैं, नफा सबसे ज्यादा ले जाते हैं, फिर भी दिखता कुछ नहीं, दिखता कुछ नहीं, इसका मतलब क्या? देखेंगे जरा। तो लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि ये बंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मंडी से निकलते तो घर को आने तक जितने गरीबों के घर होते उतनी जगह पर अपने पैसों को बांटकर आ जाते, अपने नफे के पैसों को बांटकर आ जाते थे। ये हुजूर की जिंदगी थी। लिहाजा मेरे बुजुर्ग दोस्तों, और भी मौका रहेगा और भी इंशाल्लाह हम हमारे नबी की बातों को सुनते सुनाते रहेंगे। इसके अंदर सुनने सुनाने में भी बड़ा जो सवाब है, आज हमने भी कमाया है, आपने भी कमाया है। दुआ करें अल्लाह ताला हमें हकीकी मोहब्बत हुजूर पर, हुजूर की हमारे दिलों में पैदा फरमाए और हमारे जिस्म को, हमारी सूरत को, हमारी जिंदगी को, हमारी सीरत को अल्लाह ताला हुजूर की जैसी बना दे। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जुम्मा का दिन है, असल से दुरूद शरीफ पढ़िए और अपने हुजूर की नूरानी जिंदगी की तरह हमारी अपनी नूरानी जिंदगी बन जाए। इसकी हमें फिक्र करना है, इसकी हमें मेहनत करना है, इसके लिए लगे रहिए, मस्जिदों से जुड़े रहिए, उलमा से जुड़े रहिए, कुरान से जुड़े रहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी जिंदगी दुनिया की भी खूबसूरत बनाएगा और आखिरत में भी मैदान महशर में अल्लाह हमें हुजूर की शफाअत नसीब करेगा और हमें जन्नत में हुजूर की रफाकत नसीब करेगा। अल्लाह ताला की सुनी बातों से ज्यादा मुझे भी आपको भी पूरी उम्मत को अमल की तौफीक अता फरमाए। हम आगे बढ़ते हैं।